आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 मई 2020 शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालेंगे। सरकार ने लॉकडाउन को तो बढ़ा दिया 2 सप्ताह के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के अलग अलग इलाकों में किन किन तरह की छूट दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने कई राज्यों में कई जगहों पर शराब की दुकानों से लेकर कई सारे उद्योग धंधों को शुरू करने की भी इजाजत दे दी है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सरकार ने बहुत सारी छूट और ढील दे दी है? बसें, कैब, टेम्पो, व्हीकल वगैरह ये चलाने की भी छूट दी गई है। कई जगहों पर दुकानें खोलने की भी ढील दी गई। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने लॉकडाउन 3 के साथ में कुछ और ऐसे नए नियम भी लागू किए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। अगर आपके पास दोस्तों किसी भी बैंक का ATM कार्ड है तो भी एक महत्वपूर्ण खबर अपडेट है। आधार कार्ड पर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। और इसके अलावा भी देश भर में दोस्तों अभी इस चीनी वायरस की बीमारी को लेकर भी जो कुछ भी बड़ी खबरें आ रही सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, इन 5 राज्यों के लोग भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया जिसमें शामिल है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी इस वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकेंगे। अब इस योजना में टोटल देश के 17 राज्य शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों इन 17 राज्यों के लोग जो है ना वो देश में कहीं से भी अपने राशन कार्ड से राशन की दुकानों से राशन ले सकते हैं, सिंपल मतलब ये है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि गोवा सरकार ने एक आदेश दे दिया दोस्तों कि मास्क न पहनने वालों को न तो राशन मिलेगा न ही फ्यूल मिलेगा। आपको पता होगा देश और दुनिया में आजकल इस चीनी वायरस की बीमारी का महामारी का जो माहौल फैला हुआ है, इसी बीच दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने यह भी नियम लागू किया था कि बिना मास्क के आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। और ऐसे में अब गोवा राज्य सरकार ने यह आदेश भी दे दिया कि बिना मास्क के न तो राशन मिलेगा न ही फ्यूल वगैरह मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप खुद की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए भी जरूर मास्क का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया, खुल सकेंगे फैक्ट्री दफ्तर लेकिन ये शर्तें शामिल होगी। जी हां दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर से 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया और इस बार देश भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में देश को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। और ऐसे में दोस्तों किस जोन में किन किन चीजों की ढील और छूट मिलेगी इसको लेकर भी आप जानकारी देख सकते हैं कि दोस्तों ग्रीन जोन में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान मसाले की दुकानें, सरकार ने इसको लेकर छूट दी है। दरअसल दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन 3 लागू करने के साथ ही नई गाइडलाइन भी जारी की है और ग्रीन जोन के जो इलाके हैं वहां पर 4 मई से शर्तों के साथ शराब एवं पान मसाले की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन गाइडलाइन में कहा गया है दोस्तों कि इन दुकानों पर 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होना जरूरी है। साथ ही दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा ग्राहक या ज्यादा लोग जुटने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में शराब की बिक्री का गृह मंत्रालय का फैसला अहम है क्योंकि ज्यादातर राज्य दोस्तों चाह रहे थे कि उनके यहाँ शराब की बिक्री की इजाजत दी जाए और ऐसे में सरकार ने ये डिसीजन लिया है। अच्छा, इसके अलावा भी और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपका घर रेड जोन में आता है तो जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो दरअसल दोस्तों रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जिसमें मनरेगा कार्य, ईंट भट्टे वगैरह ये शामिल है। इसके अलावा कृषि से संबंधित बुआई, कटाई, खरीद, विपणन वगैरह ये क्रियाएं चालू रहेगी, किसानों से जुड़े काम चालू रहेंगे। बाकी दोस्तों रेड जोन के अंदर दूसरी सारी चीजें बंद रहेंगी जैसे कि बसों वगैरह का चलना, कैब वगैरह का चलना ये। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 4 हफ्तों का जो लॉकडाउन बढ़ाना इसमें ग्रीन जोन में कुछ और चीजों की छूट दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही मंत्रियों के साथ में बैठक की थी और इसमें देश में जो अभी ये बीमारी का संक्रमण का मसला चल रहा है इसके तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को 3 जोन में बांटा है। दोस्तों ग्रीन जोन में देश भर के 319 जिले शामिल हैं जबकि ऑरेंज जोन में 284 और रेड जोन में 130 जिले शामिल हैं जिसमें मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद और दिल्ली सहित 130 जिले जो वो रेड जोन में है। ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में सशर्त कुछ चीजों की छूट दी गई है। हवाई यात्रा, रेल, मेट्रो और राज्य के भीतर परिवहन पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी तरह के मॉल और सिनेमा हॉल में भीड़ नहीं इकट्ठा होगी। मॉल और सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। अच्छा, इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, संस्थान, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल और रेस्तरां भी बंद रहेंगी। लेकिन दोस्तों ग्रीन जोन में कुछ चीजों की छूट मिलेगी। 3 मई के बाद 4 मई से जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब ग्रीन जोन के अंदर कुछ चीजों की छूट मिलेगी जिसमें ग्रीन और ऑरेंज जोन में टैक्सी, कैब वगैरह चलाने की इजाजत दी गई है। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि एक गाड़ी में एक चालक और एक यात्री ही हो सकता है क्योंकि सभी तरह के परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पहले की तरह जारी रहेगा। तो ये सरकार के कुछ दिशा निर्देश हैं। आप भी दोस्तों प्लीज लॉकडाउन 3 का जरूर पालन करें। देश में 17-18 मई तक जब लॉकडाउन रहने वाला है तब तक आप बिना काम घर से बाहर न जाएं और जाएं अगर तो मास्क लगा कर ही जाएं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट और बातें थी लॉकडाउन 3 को बढ़ने को लेकर। चलिए अब नजर डालते हैं अपन देश की दूसरी बड़ी खबरों पर। अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि दूरदर्शन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद दोस्तों इस चैनल पर फिर से शुरू होने जा रही है रामायण। जी हां, आपको पता होगा काफी सालों बाद जब रामायण का सीरियल दोबारा प्रसारित किया गया तो इस दौरान रामायण को दोस्तों दूरदर्शन के ऊपर TRP काफी
अच्छी मिली थी। और इसी बीच अब रामायण के फैंस के लिए एक और खुशखबरी ये है कि रामायण को स्टार प्लस पर फिर से प्रसारित किया जाएगा 4 मई से रात 9:30 बजे। आप ये रामायण का शो वापस ऑन एयर देख पाओगे। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है प्रवासी मजदूरों के लिए। दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से रेलवे और ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, जो लोग दूसरे राज्यों में मजदूर वगैरह और छात्र फंसे हुए हैं पर्यटक, उनको वापस अपने गृह राज्य में पहुंचाने के लिए सरकार ने टेम्परेरी रेलवे सेवाओं को चालू करने की इजाजत दे दी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों की आज से बदल गए हैं एटीएम, पेंशन, रेलवे, गैस सिलेंडर सहित ये 7 नियम, जान लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि हर महीने की 1 तारीख से आपको पता होगा सरकार कुछ नए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करते हैं, राइट। और ऐसे में इस बार भी नया महीना मई शुरू हो चुका है और ऐसे में कई सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है पिछले 24 घंटों से ही लागू हो चुके हैं हमारे देश में। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं दोस्तों कि कौन कौन से नियम बदल गए हैं। पहला देख पा रहूंगी कि मई से मिलेगी पूरी पेंशन। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल ही में रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन राशि के भुगतान का प्रावधान फिर से शुरू कर दिया और इसके तहत दोस्तों अब मई से पूरी पेंशन वापस मिलने लगेगी। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं, एटीएम से जुड़ा नियम भी बदल चुका। दरअसल दोस्तों, देश भर में सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया हुआ, राइट। और ऐसे में ज्यादा सावधानी के लिए अब आपको एटीएम पर भी नई व्यवस्था तय की जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एटीएम के इस्तेमाल के बाद उसे साफ किया जाएगा। यह व्यवस्था गाजियाबाद और फिलहाल चेन्नई में शुरू हुई है और सख्ती से इस नियम का पालन भी हो रहा है। हॉटस्पॉट में अब नगर निगम दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन भी किया रहा है एटीएम वगैरह का। और साथ ही अगला अपडेट है कि 4 घंटे पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। दरअसल देश भर में लॉकडाउन की वजह से रेलवे सेवाएं बंद है, लेकिन भविष्य में रेलवे सेवाओं के लिए एक नया नियम लागू हुआ। इनमें से कुछ नियम 1 मई से लागू होने जा रहे हैं। इसके मुताबिक दोस्तों, अब यात्री चार्ट निकल जाने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल पाएंगे। ये रेलवे के नियम है। और इसके अलावा अगला अपडेट देख सकते हैं कि इतना सस्ता हुआ गैस सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर। जी हां, तो दरअसल दोस्तों, नियमों की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर है, लॉकडाउन के दौरान 162 रुपए तक सस्ता हुआ एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर नई कीमत चेक कीजिएगा। लेकिन ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, ये जो गैस सिलेंडर पर रेटों में कटौती हुई है, ये सिर्फ बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के रेटों में कटौती हुई है। बिना सब्सिडी वाले, समझ रहे हो ना, सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो रेटें आपकी पहले की थी, वही रेटों में आपको अभी भी सिलेंडर मिलेगा 14 किलो 200 ग्राम वाला, लेकिन बिना सब्सिडी वालों को 160 रुपए की कटौती की गई है। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में अभी बिना सब्सिडी वाले और सब्सिडी वाले दोनों ही गैस सिलेंडर के रेट क्या है, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, 19 किलो वाला जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, उसमें भी 256 रुपए की कटौती की है और अब इसकी कीमत कितनी होगी, 1285 पहले थी, जो कि अब 1029 रह गई है। अलग अलग राज्यों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बड़े महानगरों में रेट आप देख सकते हैं। इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो मैंने आपको कल भी डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया था, राइट। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी मैं इसलिए आपको फटाफट से यहाँ एक बार फिर से ये अपडेट बता दिया हूँ। और साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि केट करेगी ऑनलाइन मार्केट प्लेस भारत मार्केट की शुरुआत। जी हाँ, केट जो है ना, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, खुदरा कारोबारियों का जो एक संगठन है ना दोस्तों, उसने कहा कि वह भारत में जल्द ही व्यापारियों के लिए एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रही है। और ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर के जैसे ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह है ना, ये ऑनलाइन मार्केट में है, इसी तरह से इनके ज्यादा चलने की वजह से ऑफलाइन मार्केट वाले जो दुकानदार है, लोकल बिजनेसमैन, व्यापारी है ना, उनके काम धंधे ठप पड़ चुके हैं। और इसीलिए केट ने ये फैसला लिया कि भारत मार्केट करके खुद ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि ये व्यापारी भी ऑनलाइन जुड़ पाएंगे। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट की, तो देख पा रूंगे कि इन राज्यों में 24 घंटों में जोरदार बारिश की चेतावनी है। दरअसल आजकल मौसम बिगड़ रहा है और इसी बीच मौसम विभाग ने सूचना दी है दोस्तों कि 1 से लेकर 8 मई तक कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश हो सकती है। आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया दोस्तों कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी उत्तर भारत में आ रहा है और साथ ही दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। और ऐसे में कौन कौन से राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की चेतावनी है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर दोस्तों, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, हिमालय और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी उड़ीसा और शेष पूर्वोत्तर भारत में 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तो ये तो आज के मौसम समाचार है। और इसके साथ ही अब नजर डाले दोस्तों देश और दुनिया में चल रही इस चीनी वायरस की महामारी के बीच भारत में आंकड़े क्या चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि भारत में इस बीमारी से 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा जान जाने वालों का रिकॉर्ड टूटा दोस्तों। संक्रमित लोगों की टोटल संख्या 35,365 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,755 नए मामले आए और 77 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। भारत से दोस्तों टोटल जान जाने वालों का आंकड़ा 1,147 तक पहुंच चुका है और शायद यही एक वजह दोस्तों कि लगातार रोजाना इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी के चलते सरकार ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक फिर से बढ़ा दिया। चलिए दोस्तों, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि निजी अस्पतालों पर सख्त हुई दिल्ली सरकार, घेर वायरस वाले मरीजों का भी इलाज करना होगा। जी हां, दरअसल दोस्तों आजकल ये बीमारी का मसला चल रहा है और इसके चलते कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना, वो मरीजों को एडमिट ही नहीं करे। और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
केजरीवाल सरकार की तरफ से सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेतावनी दी गई है और दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया कि अगर अस्पताल लोगों का इलाज नहीं करते ना तो उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस बीमारी के अलावा भी दूसरे मरीज जो कि डायलिसिस, खून चढ़ाने या कीमोथेरेपी जैसी अहम स्वास्थ्य सेवाएं सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को मरीजों को देना जरूरी होगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर देख पा रहे कि देश की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार भारत में लॉन्च होने जा रही है। डीसी अवंती करके नया मॉडल लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। हालांकि ये तैयार स्विट्जरलैंड में हो रही है लेकिन भारत में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कब तक इसकी लॉन्चिंग होती है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि स्कूल खुलने का इंतजार 17 मई तक करना पड़ेगा और कक्षाओं का बदलेगा नजारा। हर कक्षा में 20 बच्चे ही बैठ पाएंगे। जहां केंद्रीय विद्यालय सहित दोस्तों सीबीएसई से जुड़े देश भर के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की राह देख रहे लोगों को फिलहाल अब लॉकडाउन खुलने का इंतजार तो करना पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही 17 मई के बाद भी अगर स्कूलें खुलेगी ना तो सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे जिसमें दोस्तों एक कक्षा में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा छात्रों के बीच डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी जरूरी होगा। तो ये कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगला अपडेट है कि ट्रेन तो चलेगी लेकिन एसी कोच के बिना। सरकार इस तरह की भी योजना बना रही है दोस्तों। रेलवे से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद जब रेलवे सेवाएं चालू होगी ना तो उनमें हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपको एसी कोच की व्यवस्थाएं या सुविधाएं नहीं मिले, क्योंकि दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये भी पता चला कि इस बीमारी का वायरस का संक्रमण का खतरा जो है ना वो ठंडे इलाकों में या ठंडे टेम्परेचर में जब टेम्परेचर कम होता है वहां पर ज्यादा खतरा होता है और इसलिए एसी वाले कोच रेल में फिलहाल चालू नहीं किए जाने की प्लानिंग बन रही है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि आईसीएमएआई ने सीएमए एग्जाम को जून 2020 तक पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। नई डेट्स फिलहाल 20 जुलाई 2020 तय की गई है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि सरकार की घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए तीन बड़े कदम उठाने की तैयारी भी चल रही है। इसको लेकर तीन अहम बैठकें भी हुई कल और इसमें सरकार चाह रही दोस्तों कि अभी जो देश और दुनिया में इतने दिन ये ठप रहा माहौल इसके चलते इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई ना उसको वापस कैसे बूस्ट किया जाए इसको लेकर सरकार नई प्लानिंग बना रही है जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में लाना, इन्वेस्टमेंट करना, उनके प्रोडक्शन हाउसेज वगैरह भारत में खुलवाना, इस तरह की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं सरकार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल अगला अपडेट देख पाऊंगे कि ईपीएफओ के लिए केंद्र सरकार एक शानदार योजना लेकर आई है जिसके तहत कंपनियों को भी फायदा होगा। जी हाँ, तो दरअसल कर्मचारी संचय कोष यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने कंपनियों को पीएफ के मामले में छूट देने का फैसला किया और अब कर्मचारी का पीएफ काटने के बाद हर महीने कंपनी की तरफ से पीएफ का योगदान देने की जरूरत नहीं होगी। कुछ समय बाद कंपनी अपने हिस्से का योगदान एक साथ भी दे सकेगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर जानकारी भी दे दी है। ये कंपनियों के लिए राहत की बात है क्योंकि अपने कर्मचारी जब अब कंपनियां वापस शुरू होगी तो कर्मचारियों को एकदम से पैसा नहीं बांटा जाएगा, कंपनियों की तरफ से फंड की कमी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि भारत ने निभाया वादा, यूएस को 5 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट भेजी गई है। दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत की थी और इस दौरान कुछ सहमति भी हुई भारत अमेरिका के बीच। और इसी बीच दोस्तों भारत ने अमेरिका को 5 करोड़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट वगैरह भेजी हैं। इनका उपयोग दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में और सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश अमेरिका में जो महामारी फैली हुई है ना उसमें इस दवाई का इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा और इसलिए भारत ने सहायता की है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि दोस्तों लॉकडाउन के बीच आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर आई है, अब आपको जानकारी बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दरअसल आप देख सकते हैं उदय ने 1 तारीख को ये ट्वीट करके अनाउंसमेंट किया दोस्तों कि दोस्तों अब अगर आप आधार कार्ड में कोई भी अपना इम्पोर्टेंट अपडेशन करवाना चाहते हैं जैसे कि नाम, तारीख, जन्म, दिनांक वगैरह में या एड्रेस में बदलाव करवाना चाहते हैं ना तो अब आप देश भर में किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर के भी अपना ये काम करवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स को उदय ने ऑथोराइजेशन दे दिया। फिलहाल दोस्तों देश भर में 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर ये इजाजत है लेकिन बहुत जल्द इसको 2.5 लाख तक बढ़ाने का भी सरकार का प्लान है ताकि आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव तुरंत अपने घर के पास में ही करवा पाओगे। ये भी सरकार की एक नई प्लानिंग है। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि लॉकडाउन 3 के फेज में दोस्तों भारत को किन किन 3 जोन में बांटा गया। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इस सवाल का जवाब भी आपको पता होगा, भारत को कितने जोन में बांटा गया, कौन कौन से में। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के हेडलाइंस, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे तो इसके लिए आप डीएलएस न्यूज चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप रोजाना तुरंत अपडेट्स पाते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।